हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 13 जून और आज आपका बिहार स्टेट का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उसको हम फटाफट देख लेते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन था कि नागानंद के लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम सचिव कौन बना था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड स्टेनली के द्वारा बनाया गया था, यानी कि लॉर्ड स्टेनली बने थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मुक्ति बोध जीवनी किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विष्णु चंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, तो वर्ष 1963 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से क्या है हिंदी, देखिए हिंदी इनमें से क्या है, तो देखिए हिंदी आपका राजभाषा है। ऑप्शन में आपका राजभाषा दिया गया था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो गोदान आपका 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि पूस की रात कहानी में कुत्ते का क्या नाम था, तो पूस की रात कहानी में कुत्ते का नाम आपका जबरा था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शुक्ला जी के अनुसार भक्ति काल का समय कितना था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1318 से लेकर 1643 तक था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रस को रस राज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि तद्भव पत्रिका किसने लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अभिषेक लखनऊ के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन था कि गया प्रसाद कमेटी किस युग से संबंधित है, तो इनका संबंध आपका द्विवेदी युग से है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेशनल एकेडमी ऑफ लेबर के द्वारा दिया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि देवनागरी के लिपि किस लिपि से निकली है, तो यह आपका ब्राह्मी लिपि से निकली है। अगला क्वेश्चन था कि रामचंद्र किस भक्ति के कवि थे, तो ये आपके वैष्णव के कवि थे। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। अगला क्वेश्चन था कि पिंजर कहानी के लेखक कौन है, तो पिंजर कहानी के लेखक आपके अमृता प्रीतम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना परमाणु बम तैयार किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेन हटन प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल मुगलों से धीरे धीरे अलग होकर किसके नियंत्रण में आ गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुर्शिद कुली खान के अंडर आ गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो देखिए, आज हमने आपके 13 जून के बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे उसको हमने अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आज के एग्ज़ाम में हमारा यह क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी तरह एनालिसिस पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि नेक्स्ट एनालिसिस कराए तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।